श्रीमती संगीता आजाद। धन्यवाद सर। क्वेश्चन नंबर 61। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। माननीय सदस्य, धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वह अपना संक्षिप्त में सवाल पूछे। माननीय मंत्री जी से भी आग्रह, वह संक्षिप्त में जवाब दें। मैं हर बार कहता हूं, बार बार आग्रह करता हूं, मुझे लगता है कि इस बार मेरे आग्रह को स्वीकार करेंगे। सर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है, लेकिन माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि हवाई किराए पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कंपनियों पर छोड़ दिया गया है। क्या सरकार समाज के निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में सब्सिडी देने के लिए कोई योजना बना रही है, जैसे कि रेलवे या अन्य यात्रा के साधनों में दिया जाता है? अध्यक्ष जी, नागर विमानन क्षेत्र 1993 से समस्त रूप से एक डीरेगुलेटेड सेक्टर है, और मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को और हाउस को भी सूचित करना चाहता हूं कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के आर्ग्यूमेंट है, उसके आधार पर आज जो हमारे नागर विमानन क्षेत्र में 2014 में केवल 6 करोड़ यात्री होते थे, पिछले 9 वर्षों में ये संख्या बढ़ के 14.5 करोड़ यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और इसका एक मुख्य भाग उड़े देश का आम नागरिक की योजना ही है, जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार के द्वारा दी जाती है ताकि उड़ान उन क्षेत्रों में प्रचलित हो जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन शहरों को नागरिक उड़ान मंत्रालय के नक्शे से ही मिटाया गया था। और ऐसे कई शहर हैं जहां प्रधानमंत्री जी ने स्वतः अपने आप इंटरेस्ट लेकर, रुचि लेकर ये संभव कर पाया है। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा में झारसुगुड़ा का एयरपोर्ट, असम में रूपसी का एयरपोर्ट, राजस्थान में किशनगढ़ का एयरपोर्ट, ऐसे कई एयरपोर्ट्स हैं। कुल मिलाकर 76 एयरपोर्ट्स हैं जो उड़ान योजना में संभव हो पाए हैं उनका क्रियान्वयन। और उसी के साथ 1.3 करोड़ ऐसे हमारे देश के यात्री हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी उड़ान में बैठकर सफर नहीं किया, केवल प्लेन को ऊपर से देखते थे। वो उड़ान योजना के तहत आज प्लेन में सफर करने के लिए संभव हो पाया है, ये प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हुआ है। और जहां तक हम लोग एयर फेयर्स की बात करें, पिछले बार मैंने ये भी सदन में सूचित किया था कि सीजनैलिटी के आधार पर एयर फेयर चलती है विश्व भर पर। लो सीजन होता है वर्षकाल के जुलाई से अक्टूबर तक, दशहरे के बाद हाई सीजन शुरू होती है और जनवरी तक, और उसके बाद दोबारा लो सीजन शुरू होती है। और आज हमारे जो एयर फेयर्स हैं वो फर्स्ट एसी के मूल्यांकन में ही पूर्ण रूप से कंपेटिटिव हैं। और उसी के साथ साथ हमारा अनुमान है कि 2030 तक जो आज 14.5 करोड़ यात्री हमारे हैं, ये बढ़कर 42 करोड़ यात्री इस देश में बनेंगे, 3 गुना ज्यादा ये क्षेत्र बढ़ेगा। ऑनरेबल मेंबर। सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार अपनी स्वयं के पूर्ण रूप से नियंत्रित सरकारी एयरलाइंस संचालन करने की कोई योजना बना रही है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? और सर, अभी आपने उड़ान योजना की बात कही, अभी अगल बगल आजमगढ़ के अगल में अयोध्या का आपने इतना भव्य एयरपोर्ट बना के उसको संचालन करा दिया, गोरखपुर का एयरपोर्ट बन गया, आजमगढ़ का एयरपोर्ट सर पिछले 2 वर्ष से बनकर तैयार है, सरकार इस एयरपोर्ट को कब संचालन करेगी, इसका भी जवाब माननीय मंत्री जी दें। अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदया ने दोनों बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। सरकार ने विनिवेश एयर इंडिया का अभी किया है, और यही चमत्कार देखिए, केवल एक नेतृत्व है जिसकी एक संकल्पता थी कि भारत को एक नए नागर विमान क्षेत्र में हमें प्रवेश करवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ संकल्पता के आधार पर वो एयर इंडिया का विनिवेश संभव हो पाया है,
और आप देखिए अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र में 2014 में केवल 400 प्लेन थे, वही एयर इंडिया के विनिवेश के बाद उसी कंपनी ने विश्व भर के इतिहास में सबसे बड़ा प्लेन का ऑर्डर, 470 प्लेन का ऑर्डर विश्व में डाला है, 250 बोइंग के साथ और 220 एयरबस के साथ। ये परिवर्तन आया है क्षेत्र में। और जहां तक माननीय सांसद महोदय ने अपनी चिंता जताई आजमगढ़ के बारे में, मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आजमगढ़ आपकी चिंता नहीं है, आपकी चिंता के साथ साथ हमारी भी चिंता भी है। और आजमगढ़, श्रावस्ती और आसपास के एयरपोर्ट्स की अभी वर्तमान में लाइसेंसिंग की प्रक्रिया चल रही है, आप बिल्कुल चिंता मत करें। हम आपको आश्वस्त करवाते हैं, उड़ान योजना के आधार पर हमने एक रूट भी दे दिया है आजमगढ़ से लखनऊ के लिए, और आने वाले वर्ष में लाइसेंसिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उसकी शुरुआत भी की जाएगी। श्री ईटी मोहम्मद बशीर जी, माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सदस्यों को 4.5 साल हो गए, तो मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें एक मूल प्रश्न पूछा जाता है, एक सप्लीमेंट्री पूछी जाती है, उसकी हमने सबने पालना की। और आप सब पुराने सदस्य हो गए तो इसकी पालना करें। ईटी मोहम्मद बशीर जी। सर, सर, विद रिगार्ड टू द एग्जॉर्बिटेंट टिकट फेयर इन द फ्लाइट्स, ऑनरेबल मिनिस्टर इन हिज रिप्लाई सेज दैट व्हाट बेस्ट ही कैन डू इज दिस। Ministry had consultation with the airlines